वालेकुम नाज़रीन इकराम, अब हम अपनी वीडियो में जरकुताए और उसके सिनेरियो के मुतालिक आज बात करेंगे। साथ ही साथ हम मंगोलों और याकूब साहब के दरमियान होने वाला जो मुआहदा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो फैंस का बढ़ता हुआ गुस्सा है, जो सिनेरियो उस्मान गाजी और याकूब का दिखाया जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम उस सीन के मुतालिक भी बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे खूबसूरत सीन था। वो सीन वो था जिसमें औरंग गाजी यूनुस एमरे के पास जाते हैं और अपने दिल के तमाम मामलात उन्हें बताते हैं, और जिस तरह फिर यूनुस एमरे उन्हें समझाते हैं यकीनन वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीका था। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जरकुताए के मुतालिक बात करेंगे कि जिस तरह जरकुताए को ख्वाब आया कि एक तरफ से उसे आग जलती हुई दिखाई जा रही थी जिसमें उसे याकूब की आवाज़ आई थी, और एक तरफ रोशनी थी जिसमें उसमें आगाजी उसे नजर आए थे। यकीनन जो जरकुता है इस वक्त वो एक बहुत ही बड़ी कशमकश का शिकार है। वो नहीं जानता कि वो कौन सा कदम उठाए तो दुरुस्त होगा। यकीनन दुरुस्त कदम ये है कि वो उस्मान गाजी के साथ मिल जाए, मगर साथ ही साथ याकूब बे जो है वो उसे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले वक्तों में हो सकता है कि जो जरकुताए हैं उनकी शहादत दिखा दी जाए सुल्तान के सीजन 5 में, या फिर ये भी हो सकता है कि जो जरकुताए हैं वो उस्मान गाजी का जो पैगाम था वो जो कबूतर के जरिए भेज रहे थे। अब ये नहीं पता कि क्या वो सच में गद्दारी करता है, लेकिन अगर तो वो भेज देता है तो आने वाले वक्तों में इसी तरह होगा कि उस्मान गाजी इसके बारे में जान जाएंगे, और जब उस्मान गाजी इसके बारे में जानेंगे तो जो उस्मान गाजी होंगे यकीन है वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आएंगे, और हो सकता है कि जरकुताए और उस्मान गाजी के दरमियान मामला ख़राब हो जाए। लेकिन नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो सिनेरियो है इस टाइप का वो पहले ही दिखा चुके हैं। फिर इस सिनेरियो को अगर दोबारा रिपीट किया जाएगा तो मामला ख़राब हो जाएंगे, सीरीज बोरिंग होने लग जाएगी। तो यकीन वो एक अलग सीन दिखाएंगे, और वो सीन यही हो सकता है कि अगर आपको याद हो तो सावची बे का बेटा और उस्मान गाजी का जो भतीजा था उसने भी पहले ये ख्वाब देखा था अपनी शहादत से पहले कि वो एक जगह मौजूद होता है जहाँ पर उसे कबूतर के जरिए आज़ादी मिलती है और वो वहाँ पर उसकी तरफ रोशनी आ रही होती है। तो अगर हम जरकुताए को देखें तो उसका मामला भी इसी तरह चल रहा है कि हो सकता है जरकुताए का ये राज उस वक्त आया हो कि जब जरकुताए अपने मुंह से उस्मान गाजी को ये बात बताए कि वो जो उस्मान से गद्दारी करने के मुतालिक बात कर रहा था और याकूब उसे इस तरह प्रेशराइज कर रहा था, और उसके बाद हो सकता है उस्मान गाजी और याकूब आमने सामने आ जाए और उनके दरमियान जो मामलात हैं वो उसे बातों से आगे जंगों में भी चले जाएं, जिसका फैन भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। फैन चाहते हैं कि याकूब बे और उस्मान गाजी सिर्फ एक दूसरे को धमकाते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक मजबूत जो लीडर्स के तौर पर एक दूसरे से जंग नहीं करते। उसकी वजह यह भी है कि उस्मान गाजी इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि इस वक्त उस्मान गाजी की एक तरफ मंगोल हैं, दूसरी तरफ बाज़ंतीनी है। अगर वो अपने ही साथी जो मुसलमान हैं उनसे भी जंग कर बैठेंगे तो यकीनन ये तुर्कों की जो कमजोरियां हैं वो बढ़ाने पर आएगा, और तुर्कों की जो कमजोरियां होंगी वो बढ़ेंगी। तो जब तक तो मंगोल यहाँ पर मौजूद हैं तो इसकी फिक्र ना करें, क्योंकि जिस तरह याकूब बे भी उनके साथ मिल रहा था कि वो उस्मान गाजी के खिलाफ उनका साथ देगा, तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले वक्तों में वो उस्मान गाजी की पीठ पीछे खंजर भी खोपेगा, और ये जो खंजर होगा इसके मामले में जब उस्मान गाजी को मालूम होगा, और जिस तरह लग रहा है कि शायद जरकुताए की शहादत दिखा दी जाए और फिर जब ये राज यहाँ होगा तो यकीनन उन दोनों के दरमियान भी जंग होंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे यकीनन होगा कि उस जो जरकुताए है उसका मामला तो जल्दी समेट दिया जाएगा, लेकिन जो याकूब बे है और जो शहादत हातून है और इनका जो पूरा ख़ानदान है इनके मुतालिक यही खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द इनके जो सिनेरियो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर किलों की जो फतुहात हैं उनकी तरफ मोड़ा जाएगा। क्योंकि जब तक याकूब मौजूद है किलों की फतुहात बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बार बार उस्मान गाजी के लिए मामलात को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो यकीनन यही होगा कि जब वो उस्मान गाजी से लड़ेगा तो वो एक बहुत बुरी शिकस्त खाएगा उस्मान से, और हो सकता है इस जंग में मंगोल और बाज़ंतीनी जिनके साथ वो हाथ मिलाएगा उसका साथ छोड़ दें, और उस वक्त फिर उस्मान गाजी उसे मारने के बजाय उसे छोड़ दें और उसे माफ़ कर दें, और फिर इस बात से वो मुतासर होकर अपने जो दारुल हुकूमत है जर्मियान अमारत का वहाँ पर वापस लौट जाएगा। या तो ये सिनेरियो होगा या फिर ये सिनेरियो होगा कि वो उस्मान गाजी से मुतासर होकर अपनी बेटी गोंचा उनके हवाले करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बुज़ार तारीख को कभी भी फेर सकते हैं। लेकिन जो गोंचा वाला मामला है वो बहुत कम लग रहा है कि ऐसा होगा, ज़्यादा यही लग रहा है कि वो शिकस्त खाकर अपने जो जर्मियान अमारत की जो दारुल हुकूमत है उसकी तरफ वापस लौट जाएंगे। यकीन है तब तक फिक्र ना करें, महमूद और हुलफिरा का मामला भी ठीक हो जाएगा।
अब उस सीन के मुतालिक बात करते हैं जिस सीन में ओरहान गाजी यूनुस एमरे के पास जाकर और उसे बताते हैं कि आपके अल्फाज इतने ज़्यादा मौसर हैं कि मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करें और होलोफेरा के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को उजागर करें, जिसका जवाब वो आजिसी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से देते हैं कि ये हमारे इख्तियार में नहीं कि हम किसी के दिल में किसी दीन के लिए मोहब्बत डालें और फिर उसका दीन बदलवा दें, क्योंकि ये तो अल्लाह के हक में है। और उसी वक्त यकीनन बहुत से लोगों के दिमाग में ये कहानी भी आई होगी और ये वाक्य भी आया होगा कि जब हजरत अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, यकीनन हर मामले में और हर कदम पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत भी की थी और उनका साथ भी दिया था, मगर उसके बावजूद अपनी जिंदगी की जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे और उस वक्त रसूलल्लाह ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो कलमा पढ़ लें और कलमा गो हो जाएं ताकि वो अल्लाह के हजूर उनके लिए शिफात कर सके और उनकी माफ़ी तलब कर सके, लेकिन उस वक्त भी क्योंकि वो दुनिया कहते हैं ना कि दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं वो इंसान को अंधा कर देती हैं, और वो उस वक्त क्योंकि बहुत ही बड़े लीडर थे मक्का के और वो ये नहीं चाहते थे कि लोग उनकी पीठ पीछे ये बातें करें कि वो आखिर में डर कर मुसलमान होगी और उसने अपना अकीदा छोड़ दिया, और यकीनन वो अपने अकीदे पर डटे रहे थे और अपनी आखिरी सांस तक भी उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से उस अल्लाह पाक ने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए, वो बहुत रोए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि मेरे चाचा जो मेरे दिल के बहुत करीब थे वो मुसलमान ना हो सके, यानी वो गमगीन हो गए कि वो इस उनको मुसलमान करने में कामयाब ना हो सके। लेकिन उस वक्त जब अल्लाह पाक का पैगाम आया कि ऐ मेरे नबी तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो, तुम कोशिश कर सकते हो कि तुम मेरे दीन के मुतालिक जो दावत है लोगों को दो, लेकिन लोगों के दिलों में मेरी दीन के लिए मोहब्बत और उन्हें बकायदे तौर पर इस्लाम को कबूल करवाना वो मेरे हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और यही चीज़ वो जो ओरहान है उसे समझाता है कि हम किसी के ऊपर दीन को लाजिम नहीं कर सकते, क्योंकि दीन के मामले में कोई जबर नहीं और ये सिर्फ अल्लाह ही है जो लोगों के दिलों को मोड़ता है और लोगों के दिलों को काबू में रखता है। और वो यकीनन यही चाहता है कह रहे थे जो हम भी शुरू से कह रहे हैं कि होलोफेरा के ऊपर किसी किस्म की जबरदस्ती ना डाली जाए कि वो मुसलमान हो जाए, बल्कि अगर तो वो चाहते हैं कि वो मुसलमान हो तो उसे इस्लाम की वो इकदार दिखाई जाए जो उसके दिल में घर कर जाए। और यकीनन आप सबको याद होगा कि जब पहली बार उसने यूनुस एमरे से मुलाकात की थी तो तब भी उसके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ था, और ओरहान गाजी को भी वो यही कह रहे होते हैं कि वो अपने इकदार के जरिए होलोफेरा को दिखाए कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है, सिर्फ उसके ऊपर ये लाजिम ना करे कि वो मुसलमान हो जाए, क्योंकि इस तरीके से वो कभी मुसलमान नहीं हो सकती। अपना दीन बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि अपना दीन बदलना कोई आसान चीज़ तो नहीं है। जिस तरह हमारा दीन हमें बहुत ही ज़्यादा हमारी अकीदत वाला है, उसी तरह उनका दीन भी उनके लिए अकीदत वाला है, और उस दीन को बदलने का सिर्फ वाहिर तरीका वही है कि जिस तरह अर्तुरुल गाजी ने अपनी इस्लामिक दार दिखाई थी और बार बार गलतियों के बावजूद भी अहमद को माफ़ किया था, यानी वही जिसने पहले उस्मान अर्तुरुल गाजी का जो बेटा कुंदूज था उसे किडनैप किया और फिर वो मुसलमान होकर शहीद हुआ, बिल्कुल उसी तरह उस सारे मामले में अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की वो अहम इकदार उसे दिखाई थी जिसको देख कर वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। तो अब यकीनन होलोफेरा के मामले में भी ऐसे ही होगा कि ओरहान गाजी उसे इस्लाम की वो अहम और खूबसूरत इकदार दिखाएंगे, और फिर यूनुस एमरे का भी मामला उसमें शामिल होगा, और फिर आने वाले वक्तों में यकीनन वो वक्त दूर नहीं जब होलोफेरा भी इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाएगी, और फिर आखिरकार होलोफेरा के फैंस और उस ओरहान की जो फैंस हैं वो उनकी शादी को भी ज़रूर देखेंगे, और मलून के फैंस होलोफेरा और मलून के दरमियान के जो मामलात हैं उन्हें भी बिल्कुल खूबसूरत तरीके से देखेंगे जैसे कि वो तारीखी तौर पर थे। तो थोड़ा इंतज़ार करें और सब्र रखें, क्योंकि इस कुलूस उस्मान की सीज़न 5 की 165 लास्ट एपिसोड है और यकीनन वो दूर नहीं है। तो यकीनन बहुत ही जल्द इन्हीं एपिसोड्स के अंदर ये जो मामला होलोफेरा और ओरहान का है वो समेटा जाएगा, और बहुत जल्द होलोफेरा को बाकायदा तौर पर एक मुसलमान खातून और नीलूफर खातून के तौर पर मुतारिफ करवा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा।